वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। माय नेम इज कामरान अमर, यू आर वाचिंग कामरान। वीडियो का थंबनेल आप देख के समझ गए होंगे कि किस टॉपिक पे वीडियो होने वाला है। तो मैं यहाँ इसलिए बैठा हूँ क्योंकि मुझे अभी सारी मैं रात में ऐसे ही काम करके सब कुछ छोड़ दिया हूँ एंड एक एक चीज़ मुझे कंपनी को सबमिट करना है। लैपटॉप, चार्जर, माउस, कीबोर्ड, जो जो चीज़ मुझे मिली है फटाफट हम लोग बैग में रखेंगे। ऑलरेडी मैं बहुत लेट हो चुका हूँ तो मैं ऑफिस जाऊंगा और सारी चीज़ें जो मुझे जेटपैक ने दिया है वो सब मुझे सबमिट करना है। और क्या इसका प्रोसेस होता है, किस कैसे सबमिट करना है, किस टावर में जाना है, किस बिल्डिंग में जाना है, तो सब कुछ देखेंगे आज। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहना। और मैं क्यों, बहुत लोग पूछेंगे क्यों रिज़ाइन दे दी, क्यों छोड़ दिए, क्या रीज़न था, कहाँ जा रहे हो, कहीं और जॉब करोगे, या क्या क्या चीज़ें हैं, सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में धीरे धीरे। तो फटाफट पहले मैं तो अभी सब ऐसे ही रख दिया रात में, कुछ सेट भी नहीं किया, तो फटाफट हम रखते हैं। मुझे डेल का लैपटॉप मिला था और ये है चार्जर, अभी सब ऐसे ही पड़ा है, फटाफट हम रखते हैं क्योंकि मुझे ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो जेटपैक में आज मेरा लास्ट है। ऑफ बोर्डिंग कैसे करते हैं जेटपैक में उसकी भी डिटेल आपको मिल जाएगी आज। ये हुआ लैपटॉप, चार्जर, हेडफोन। अगर मैं चाहूँ हेडफोन ना दूँ या चार्जर ना दूँ या कोई चीज़ ना दूँ, रख लूँ, तो कंपनी डिडक्ट कर लेगी, जो मेरी फाइनल सैलरी आएगी उसमें से वो डिडक्ट कर लेगी। तो कोई मतलब नहीं रखने का। अगर मैं हेडफोन ये रख लूँ या रखने जाऊँ तो इस हेडफोन को वो अराउंड 6000 डिडक्ट कर लेंगे। तो ये काफ़ी मतलब महंगा है, जेब्रा का हेडफोन है, तो कोई मतलब नहीं है। ये मुझे मिला था कीबोर्ड जब मैंने क्या बोलते हैं उसको, वेलकम किट मुझे जो मिली थी, ट्रेनिंग किट मिली थी, उस टाइम मैंने ये दिखाया था, बट मैंने इसका यूज़ नहीं किया। जैसे ही मुझे मिला वैसे ही वैसे रखा था, तो मैंने इसका थोड़ा भी यूज़ नहीं किया अभी, तो ऐसे ही पैक एकदम न्यू। तो ये भी मैं सबमिट कर दूँगा। छोड़ने का यही रीज़न है। बहुत लोग पूछेंगे क्या रीज़न था, क्यों छोड़ रहे हो, तो कुछ ऐसा रीज़न नहीं था, कोई ऐसी वजह नहीं थी कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ या कुछ कंपनी सही नहीं है या कुछ भी ऐसा रीज़न, तो ऐसा कुछ मेजर रीज़न नहीं था मेरे छोड़ने का। मैं यही कह सकता हूँ कि ग्रोथ, जब इंसान किसी जगह पर कुछ टाइम तक काम कर लेता है, सारी चीज़ें सीख लेता है, उसको लगता है कि यार अब कुछ सीखना है, कुछ नया करना है, ग्रोथ चाहिए, सैलरी इशू, तो उसके उसके लिए वो आगे देखता है। तो मेरा भी यही रीज़न है कि नई चीज़ें सीखना, नई कंपनी में जाना, नए लोगों के साथ काम करना, नया एक्सपीरियंस लेना और नए कंटेंट अपलोड करना आप सबके लिए। तो नई कंपनी में जाना, नई चीज़ें सीखना, एक्सपीरियंस करना, सब कुछ ये एक अपने एक्सपीरियंस को इन्हेंस करना एंड नॉलेज को, स्किल्स को, नीड्स को, इन सबको इन्हेंस करने का एक नया मौका, एक नई अपॉर्चुनिटी मिली है मुझे। सो किस कंपनी में जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, किस प्रोफाइल पे जा रहा हूँ, क्या चीज़ें हैं, सब कुछ डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियो में। आज मेरा लास्ट डे है जेटपैक में, ऑफ बोर्डिंग है, कल मेरा ऑन बोर्डिंग है दूसरी कंपनी में। कौन सी कंपनी है, कहाँ पे है, मैं अभी नहीं बताऊँगा, कल की वीडियो में, जो नेक्स्ट वीडियो मेरी आएगी उसमें बता दूँगा सब कुछ। तो फिलहाल अभी चलते हैं ऑफिस और सब कुछ सबमिट करते हैं। क्या प्रोसेस है इसका अभी वो भी देखते हैं, किस किस से मिलते हैं ऑफिस में, कौन लोग हैं, क्या करते हैं, सब कुछ मैं आज डिस्कस करूँगा। ज़्यादा काम ऑफिस में नहीं करूँगा, जो लोग मिलने वाले होंगे ऑफिस के उनके साथ मिलेंगे, बाकी सबमिट करेंगे। अगर लेट जाऊँगा तो शटल वैसे भी मुझे नहीं मिलने वाली है, मुझे कैब करके जानी पड़ेगी या तो राइडर करके जाना पड़ेगा या तो मुझे देखते हैं कैसे जाते हैं। फिलहाल अभी चलते हैं यहाँ से। तो मैं जामिया मिल्लिया से होते हुए मेट्रो स्टेशन बोटैनिकल पे आ चुका हूँ और आप लेफ़्ट साइड में देख सकते हो सारी शटल अभी रुकी है जेटपैक की। तो चलते हैं शटल से आज। तो शटल मिल चुकी है, हम लोग चलते हैं ऑफिस।
तो फाइनली मैं आ चुका हूँ स्टेलर बिल्डिंग में अंदर, मुझे जाना है फर्स्ट फ्लोर पे। तो लिफ्ट से चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे, फिर देखते हैं क्या क्या प्रोसेस है। तो चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। यहाँ बाहर आने के बाद आपको एकदम सामने अंदर जाना है, फिर लेफ्ट साइड जाना है, फिर वहाँ से टोकन लेना है। तो मुझे टोकन नंबर मिला है 36 और मैंने सब कुछ सबमिट कर दिया है इजली। सिर्फ 5 मिनट लगा मुझे सबमिट करने में। ये मेरा आई कार्ड है, ये भी सबमिट करना है अभी। और आप देख सकते हो फर्स्ट फ्लोर से सामने सारे टावर्स हैं। स्टेलर में ज़्यादातर आईटी से रिलेटेड वर्क होते हैं। बाकी जनपैक आप देख सकते हो सामने, टावर जनपैक का है, मर्सर है, और भी सब बिल्डिंग्स हैं सामने। तो अब हम लोग चलते हैं नीचे, और आई कार्ड है हमारा, ये भी हमें सबमिट करना है अभी। तो रिसेप्शन पे आई कार्ड मैं दे दूँगा। तो ये हो गई कंप्लीट ऑफ बोर्डिंग, मैंने सब कुछ सबमिट कर दिया। अब मैं चलता हूँ बाहर। अब स्टेलर से निकलोगे, सामने ही देख सकते हो सारे टावर्स हैं जनपैक के और भी अदर कंपनीज हैं। तो हम चलते हैं, थोड़ा सबसे मिलते हैं, फिर चलेंगे घर। बाकी ये रहा ऑफ बोर्डिंग का प्रोसेस। अब आना, जिसको भी ऑफ बोर्डिंग करना है आपको टोकन लेना है। उससे पहले आपको एक टिकट रेज करना पड़ेगा, फिर टोकन लेना पड़ेगा। टोकन लेके आपको अंदर जाना है, देन आप उस टिकट नंबर के बेस पे आप अपने सारे एसेट्स को सबमिट कर सकते हो। तो ये रही स्टेलर बिल्डिंग। तो सब कुछ हो गया, ये रहा ऑफ बोर्डिंग का प्रोसेस। अगर ज़्यादा लोग नहीं है तो सिर्फ 5 से 10 मिनट का काम है, सब कुछ आपका ईजिली हो जाएगा। तो चलते हैं अब घर। बाकी न्यू कंपनी कहाँ है, ऑनबोर्डिंग कैसे करना है, कब ज्वाइनिंग करना है, आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की कुछ पुरानी यादें।